गुड मॉर्निंग क्लास हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर वन इंग्लिश अल्फाबेट दिस इज योर ग्रामर बुक इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट का अर्थ क्या होता है इंग्लिश इंग्लिश एक भाषा है जैसे हिंदी आपकी एक भाषा होती है बोलने की वैसे ही इंग्लिश एक भाषा है अल्फाबेट अल्फाबेट मीन्स वर्ण माला अल्फाबेट मीन्स वण लेसन नेम मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स अंग्रेजी की वर्ण माला लेटर अ लेटर इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ साउंड यूज इन अ स्पीच अ लेटर अ लेटर इज अ सिंबल रिप्रेजेंट अ साउंड यूज इन अ स्पीच लेटर लेटर मीन्स वर्ण लेटर लेटर मीन्स वर्ण एक सिंगल एक अकेला लेटर होता है हमारा जैसे ए ये एक अकेला लेटर है हमारा सिंपल लेटर ये एक सिंबल है एक संकेत है एक किसी चीज़ का प्रतीक है आपके सामने जो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट प्रेश करता है उस चीज़ को जब आप उसका प्रोनाउन करते हैं अपने एसेट सी तो आपके दिमाग में सीधा सी बन जाएगा माइंड में आ जाएगा कि सी कैसे बनाते हैं या सी कौन सा लेटर होता है दैट सी मीन्स कैट अ साउंड यूज इन स्पीच इसको हम बोलते हैं तो एक साउंड की तरह आप, आपके स्पीच में से यूज किया जाता है लेटर मीन्स अगेन वर्ण जैसे क ख ग घ सेम लेटर आपके इंग्लिश में आएंगे ए बी सी डी एक सिंगल अकेला लेटर आप क्या होता है ए सेम अकेला हो गया वो अगेन बी तो जब ये अकेले होते हैं सिंपल तब आप इसे कहते हैं एक लेटर नेक्स्ट इज योर अल्फाबेट एंड अल्फाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड अल्फ़ाबेट आपका सेट ऑफ़ लेटर है जो ए से लेकर जेड तक कंप्लीट होता है जिस आपके सामने शो भी हो रहा है ऑलरेडी ग्रीन में ग्रीन बॉक्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वेन आई वीट इच यू टू राइट ए टू जेड आप हमेशा सेम फॉर्मेट यूज़ करते हैं प्रीवियस क्लासेस में जो आपने ए टू जेड लिखा होगा कभी तो आपने ए की फॉर्मेट यूज़ किया हमेशा ए देन बी देन सी देन डी कभी आपने ऐसे लिखा है कि आज डी से स्टार्ट करें नेक्स्ट डे आप एल से स्टार्ट करें नेक्स्ट डे आप एम से स्टार्ट करें कभी किया है आपने ऐसा नहीं हम ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि वो एक हमारा गलत फॉर्मेट होता है फॉर्मेट कहाँ से आ गया अब इसमें अब ये देखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर अल्फाबेटिकली ऑर्डर अल्फाबेटिकली मीन्स वर्ण माला के अनुसार वर्णमाला के अनुसार एक जिसको लिखने का एक फॉर्म होती है एक तरीका होता है अ सेट ऑफ लेटर ए टू जेड व्हेन रिटर्न इन सीक्वेंस इस कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अ सेट ऑफ लेटर व्हेन रिटर्न इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब सेट लेटर है जो आपका सिंगल लेटर जब लिखे जाते हैं सीक्वेंस में क्रम के अनुसार एक प्रॉपर तरीके से जब लिखे जाते हैं तो इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब वर्ण के क्रम के अनुसार इनको लिखने का एक फॉर्मेट होता है आपके सामने ऑलरेडी शो हो रहा है कैपिटल लेटर एन वन बॉक्स में और अनदर बॉक्स इज य विद स्मॉल लेटर आप सेम देखेंगे सिर्फ से इसमें कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस है अदरवाइज लिखने का फॉर्मेट सेम है कि ए के बाद बी देन सी देन डी देन ई नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू किड्स हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आई रिपीट माई क्वेश्चन हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन एन इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं थिंक द राइट आंसर इज ट्वेंटी दे आर आर ट्वेंटी इज एन इंग्लिश अल्फाबेट तो आपको अल्फाबेट की मीनिंग समझ में आ गया अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला माला इंग्लिश की वर्णमाला माला और उसके लिखने का एक प्रॉपर तरीका नाउ आई हैव सम वर्क फॉर यू मैंने ऑलरेडी फोर लाइन की कॉपी यूज़ की इंग्लिश की ताकि आपको उसे करने में ईजिली हो जाए घर में काम आज आपके ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है देन आई राइट देयर डे वन लेसन वन इंग्लिश अल्फाबेट आपको भी एज इट इज़ जैसे मैंने कॉपी में कर्सिव राइटिंग में लेटर बना रखे हैं प्रॉपर लाइन में आपको अपनी कॉपीज़ में प्रॉपर इसी तरीके से लेटर्स को बनाना है आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सब कर चुके हैं आई नो बट दिस इज़ फॉर योर रिवीजन ये आपका फर्स्ट चैप्टर है तो हम थोड़ा लास्ट रिवाइज करके चलेंगे ताकि आपको लिखने का फॉर्मेट क्लियर रहे और आपको आगे इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट वन इज योर स्मॉल लेटर दिस इज अगेन ए टू जेड बट इन स्मॉल कर्सिव राइटिंग आपको इसको एज इट इज़ कॉपी में उतारना है टू टाइम सो योर टूडेज़ होमवर्क इज़ राइट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इन कर्सिव राइटिंग टू टाइम इन योर कॉपी आपको टू टाइम कैपिटल लेटर लिखना है एंड टू टाइम आपको स्मॉल लेटर लिखना है प्रॉपर कर्सिव राइटिंग में एज इट इज़ ऑन द लाइन थैंक यू